हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, अभी अभी एक अपडेट सामने आ रही है, वो भी वर्कर के लिए बहुत ही बैड अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर ये गलती करते हो दोस्तों, तो कंपनी आपको 1 साल का बैन कर सकती है और आपको इमिडिएटली इंडिया भेज सकती है, या तो आपकी सैलरी भी कम कर सकती है, पैसे भी पूरे नहीं दे सकती है। तो ये गलती भूल कर भी नहीं करना जो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट से देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं मानता हूँ दोस्तों, आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। तो अपडेट क्या है दोस्तों, देखिए, जो एग्रीमेंट पे लिखा होता है, अब 80% वर्कर ये गलती करते हैं, इसके वजह से कंपनियां उनके खिलाफ एक्शन लेती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराई तो पता चला कि ये ज़्यादा मिस्टेक इस गलती की वजह से लोग ऐसे करते हैं। तो गलती क्या है, या तो हमें जॉब चेंज करना होता है, या फिर हमें बीच से कैंसिल घर जाना पड़ता है। तो एक टर्म और कंडीशन होता है जो एग्रीमेंट पर लिखा होता है कि आपको नोटिस पीरियड में काम करना है। मान लीजिए जिस दिन से आपने वीज़ा कैंसिल करने के लिए बोला है कंपनी को मेल के थ्रू, आपको मेल के थ्रू ही बोलना है, ऐसे मुंह से नहीं बोल देना, नहीं तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे बोला नहीं था। आपको किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाना है, या फिर आप अपने मोबाइल से अगर कर सकते हो तो जो कंपनी का ईमेल आईडी होता है दोस्तों, उस पर आपको मेल करना है, और वो मेल करने के बाद आपको उस दिन से 1 महीना आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि सीधा आपको रूम में बैठ जाना है। रूम में बैठ जाओगे दोस्तों, तो फिर वो क्या करेगी, कंपनी आपको 1 साल के लिए बैन कर सकती है, आपको फाइन भी मार सकती है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट जब साइन किया है तो उस पर क्लियरली लिखा होता है। आप जल्दीबाजी में क्या करते हो, साइन कर देते हो, ठीक है, साइन कर देते हो, हाँ मुझे जॉब मिल गया, जॉब मिल गया। अब पता चलता है कि आप बीच में एग्रीमेंट पढ़े नहीं होते हो, और फिर आप गलत कदम उठा लेते हो, तो गवर्नमेंट भी आपके, क्योंकि गवर्नमेंट उसी के साथ है जो रूल फॉलो करे, या कंपनी हो या वर्कर हो, गवर्नमेंट का जो रूल अगर फॉलो करेगा, गवर्नमेंट उसके साथ है। यहाँ का गवर्नमेंट ऐसा है, कोई भी आप गरीब हो, बड़े हो, छोटे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे लोगों के लिए रूल एक ही है। तो इसमें क्लियर किया गया है दोस्तों कि वर्करों, ज़्यादा वर्कर पर बैन जो आ रहा है अभी, वो रूल ना फॉलो करने की वजह से, मतलब जो नोटिस पीरियड है दोस्तों उसमें काम वर्कर नहीं करता है, इसके वजह से कंपनियां क्या करती है, उसके ऊपर 1 साल का बैन मारती है, और उसको जो भी है वो, मतलब वो खुद नहीं मारती है दोस्तों, वो मोहरे से मरवाती है, मतलब जो यहाँ का गवर्नमेंट का ये है मोहरे, उसे कॉल करके बोलती है कि हमारा वर्कर जो है इस तरह का कर रहा है। तो वो लोग आपके वीज़ा पर 1 साल का बैन मारने से पहले वो लोग कॉल आपके ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि आपने ये वायलेशन किया है, इसके वजह से आपको 1 साल का बैन लगा रही है कंपनी। आप एग्री होते हो, या फिर उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, लेकिन आप अगर बोलोगे और आप ही गलती किए रहोगे दोस्तों, तो फिर आपके ऊपर फाइन आएगा। मतलब मोटा मोटी जो अपडेट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कैंसिल करते हो बीच में किसी भी कंपनी में, तो जो नोटिस पीरियड होता है, सबसे पहले तो 6 महीने से पहले आप बिल्कुल ये सोचना नहीं कि हाँ कैंसिल करना है। 6 महीने के बाद अगर कैंसिल करते हो, या 1 साल के बाद करते हो, 2 साल के बाद करते हो, तो नोटिस पीरियड में आपको ज़रूर काम करना है। मतलब जिस दिन से कैंसिल करोगे उस दिन से 28-30 दिन आपको काम करना है। उसके बाद अगर कंपनी कैंसिल नहीं देती है, तो आप मोहरे में या गवर्नमेंट को कंप्लेन करोगे, तो कंपनी वाले फंसेंगे, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरे वर्कर भाई कोई भी गलत चीज़ में ना फंसे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।